खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मिर्जागंज सूर्य मंदिर धर्मशाला में भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में जिले भर से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी उपस्थित हैं। बताया जाता है कि इस जिला सम्मेलन में संगठन मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पर भी जोर शोर से चर्चा हो रही है। वहीं बताया गया कि भाकपा माले किसी भी सूरत में अपना कैंडिडेट कोडरमा लोकसभा से उतारेगी, क्योंकि माले का यह सीट परंपरागत है और यहां पर जनाधार भी है। इस सम्मेलन में भाकपा माले के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिए हैं। जी सर, कोडरमा लोकसभा सीट क्या भाकपा माले का रहेगा? उम्मीद तो है, बिल्कुल। हमें लगता है कि अभी फाइनल बात होनी है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और जेएमएम से भी हमको बात हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ तो लगातार 2009 में 2014 में माले का ही दूसरा स्थान रहा है, और 2019 में ज़रूर विपक्ष का समर्थन मिल गया था बाबूलाल मरांडी को, और इसके चलते हम लोग 20 नंबर पर चले गए थे। लेकिन फिर 2019 के ही अंत में जब विधानसभा का चुनाव आया, तो फिर एक बार माले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया था माले है, इसलिए हमें लगता है कि निश्चित तौर पर माले को मिलना चाहिए। और इस बार पूरे साथी तैयारी कर रहे हैं, और फिर हमें लगता है कि कोडरमा सीट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोडरमा नहीं पूरे झारखंड में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पर हमला किया, पूरे झारखंड पर हमला किया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है इसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ती है, तो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया पैसा, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस भ्रष्ट सरकार को, इसमें जनता जरूर बुखार फेंकेगी और कोडरमा में जीत विपक्ष की होगी। देखिए, ये गिरिडीह जिला का 13वां जिला सम्मेलन है, और यह सम्मेलन में मुख्य रूप से कोडरमा लोकसभा की मजबूत दावेदारी भाकपा माले की होगी, और इसी को लेकर के CPIML का जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है इसको मजबूत किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। और इस बार हमारे कोडरमा लोकसभा चुनाव में जो इस चुनाव पार्टी जो इस जीतने के लिए लड़ेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि 2019 का जो है हमारे जो विपक्ष के दल हैं वो गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार भाकपा माले को ये सीट यदि मिलती है, इस बार निश्चित रूप से भाजपा पराजित होगी, और इसी को लेकर के हमने जो है सो पूरी तैयारी किया है। और ये 2 दिन का जो सम्मेलन है उस पर हम लोग ने पूरे देश की जो एक राजनीतिक परिस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति है, इस क्षेत्र की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा परिचर्चा विशेष रूप से होगी, और उसके बाद जो इस सम्मेलन के बाद जो रणनीति और जो मैंने तय की जाएगी उसको हम लोग फिर गांव-गांव में जा करके भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, इस नारे के साथ हम गांव में जाएंगे। क्योंकि भाजपा ने जो महंगाई की बात किया था, बेरोजगारी की बात किया था, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, और अभी एक धर्म के आधार पर एक समुदाय को टारगेट करके देश को विभाजित करने की जो राजनीति चल रही है, हम लोग विभाजित की राजनीति नहीं, हम लोग जोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं, और इस बार हम लोग किसान मजदूर नौजवानों को इसी आधार पर जोड़ेंगे। अभी दिल्ली में जो चल रहा है किसान आंदोलन, जिस तरह से लाठी गोली की वहाँ चलाया गया, किसानों पर हमला हुआ, ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है, किसानों के अधिकारों पर हमला है, और ये MSP लागू होना चाहिए, और MSP जब तक लागू नहीं होता है हमारा देश का किसान मजबूत नहीं होगा। और मोदी सरकार ने जिन नीतियों के आधार पर समझौता किया था वो भी लागू नहीं किया, इसलिए किसान गुस्से में है,
लेकिन लाठी गोली से किसान आंदोलन दबने वाला नहीं है। यही किसान लोग हैं जो एक साल के बाद मोदी सरकार को 3 कृषि काला कानून वापस लेने के लिए बाध्य किया और इस बार भी हम MSP लेकर के ही उठें। भैया, जो जिला सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में लोग ये भी मायने निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाकपा माले है वो गठबंधन में अपना दबाव बनाने के लिए या अपना जो पक्ष है मजबूत रखने के लिए ये दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया कि पिछले 2-3 बार बैक टू बैक लोकसभा में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है माले से, बावजूद स्थिति थोड़ा डामाडोल लग रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर गठबंधन नहीं मानती है क्या कुछ रणनीति रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात है कि चुनाव ही अंतिम चीज़ नहीं होती है और भाकपा माले ने कभी सैद्धांतिक रूप से संसदीय राजनीति में कभी मोल तोल कर राजनीति नहीं किया है। हम लगातार 5 साल 365 दिन 24 घंटा जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं। हम कह रहे हैं सम्मेलन तो अभी हो रहा है, इसके पहले हम 18 दिसंबर को धनवार में भी भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा किए थे, 16 जनवरी को हुआ, फिर 19 सितंबर को कोडरमा में किसानों को लेकर के एक बड़ी रैली किए थे और आप आए दिन आप देख रहे हैं चाहे वहाँ इस देश इस जिले के अंदर में कोडरमा के अंदर में वो ढिबरा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, दलितों अकलितों आदिवासियों पर कहीं भी हमला हुआ हो, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे आपने देखा कि राशन कटौती का घोटाला हो, ये तमाम चीज़ों पर तो माले लड़ते रहा है। इसलिए ये जो लोग ये आरोप लगाता है बेबुनियाद है। हम कोडरमा में हमारी स्वाभाविक दावेदारी है और इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि 365 दिन 24 घंटा माले लड़ा है और लड़ेगा और कोडरमा में एकमात्र विकल्प है तो वो भाकपा माले।